शास्त्रम जो आयुर्वेद है मुख्य रूप से आयुर्वेद है, वो इसी उद्देश्य आयुर्वेद है कि जो निवेश करता है उन निवेशकर्ताओं को क्या क्या जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार की योजना है, राज्य सरकार की किसी प्रोत्साहन के लिए और जो सूक्ष्म जो है खाद्य से उत्पादन से कृषि से कृषि उत्पादन से संबंधित वह जो योजना है प्रधानमंत्री के द्वारा योजना की उसमें सब प्रकार केवल सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, केवल ये नहीं है कि नहीं उनको फाइनेंशियल मदद करने और करना नहीं, सब प्रकार की जरूरतों को पूरा करने एक कम्प्रिहेंसिव एक समेकित जो योजना है उस योजना को बताने के लिए उसके जो दो दो हिस्से हैं दो पार्ट हैं एक थ्योरी है दूसरा प्रैक्टिकल है टेक्निकल है, तो दो सत्र में आज यह आयोजन है और इसमें जो निवेश करता है जो निवेश के लिए इच्छुक हैं जो जीविका जो चाह सहायता समूह है इसमें एफ पी ओ है किसानों का जो संगठन है उत्पाद संगठन वह है ए पी सी ऐसे लोग यहाँ और अधिकारियों का समूह है सबसे बड़ी विभाग के आदरणीय सचिव उद्यान के डायरेक्टर निदेशक बाकी सब बैंक के सब लोगों के साथ हम लोग उपस्थित हैं और इसीलिए उपस्थित सर तकनीकी जानकार भी सब प्रकार की जानकारी उन्हें दी जाए और यह जो छोटे उद्योगों का जाल जो कृषि आधारित है उसके उत्पादों पर आधारित जो बहुत दूर बढ़े रोजगार सृजन सर किन किन फसलों पर सर प्रोत्साहित किया जाएगा सर आज सरकार जैसे उनको हमने चुना है जैसे मखाना है जैसे लीची है जैसे चाय है शहद है मक्का है ये हर्बल औषधीय जो पौधे हैं ये है सब्जी है इन सब पर इन सब का उत्पादन उत्पादन भी क्वालिटी उसमें भी मदद करते हुए उत्पादन भी बढ़े उसकी गुणवत्ता भी कायम रहे वह भी बढ़े और उसके लिए उनको हम मार्केट भी उपलब्ध कराएं और उसका प्रोसेसिंग जो उद्योग है वह भी स्थापित हो और वहाँ उनका जो उत्पाद है सीधे वहाँ जाए तो ये मुकम्मल इस योजना के पीछे यही ठीक है। अभी जो बाढ़ की स्थिति है उससे काफ़ी किसानों को नुकसान भी पहुँचा है तो उसमें जो है क्या करें देखिए पानी ने जो नुकसान पहुँचा है फसल को भी नुकसान उसके लिए समय समय पर क्षति का आकलन कर उसकी स्थिति भी हम करते रहे इस बार भी फसल को जो नुकसान हुआ है उसका आकलन हम लोगों ने किया करीब 99 करोड़ की क्षति का नुकसान हम है और उस आधार पर आकलन किया था लोगों ने आपदा आपदा थी तो आपदा विभाग पैसा बढ़ेगा लेकिन वो है प्रोसेस में है और हम समझते हैं कि जल्दी ही हम तैयार हैं सर एक चीज़ और जो भी प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं या कोई कारखाना लगाते हैं किसान से संबंधित जो है तो उनको जो लोन लेने में है प्रॉब्लम होती है खास करके आपने भी कहा जिस तरह से उनको प्रॉब्लम होती है तो उसको सुलझाने के लिए विशेष व्यवस्था किया गया है हम लोग तैयार हैं बैंक से भी रिपोर्ट देना क्यों यहाँ नाबार्ड क्यों आए हैं क्यों क्या जरूरत हमारी कठिनाइयों को सुनेंगे जानेंगे कैसे हमारी कठिनाइयों का समाधान होगा बैंक और उसके बीच में लाभुक के बीच में काम करते हैं जब तक एक बेंच पे नहीं होगा सर तब तक जो है किसानों की समस्या सॉल्व नहीं होगी सर खासकर बैंक से समस्या